विश्वास की धुनी पर महाराज जनक ने चलाया तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी की निकली। और माता जानकी है भक्ति। हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा। जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे जय सियाराम। प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनकर, तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो। दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यही रहवा, कहां जावा हूं। राम जी बोले क्यों यहां रहे। सखियां बोली जो यहां खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारे अयोध्या में नहीं। सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से गालियां पकाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हम और पहले आ जाना चाहते। जय सियाराम, जय सियाराम। लेकिन अभी हम कहते कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने। जय सियाराम। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच ले। पक्का है। अच्छा एक बात, धन्य धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा। जहाँ प्रभु बहरे, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ। देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे हैं नाथ। जय सियाराम। जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ। हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो ही नहीं। जय हनुमान, जय बजरंगबली हनुमान जी की। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता। अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपतिनाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ। जय बजरंगबली हनुमान। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जिनको भी होटल हो, भगवान जाने होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाया। तो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। यहाँ के हमारे जो मेम्बर उनसे कहना है कि लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए, आई एम बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि उन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहां हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें कहा कोई बात तो हम, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है। और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। जय श्री राम। संत आ गए तो संत देखो, हम जाएं संतों के पास ये हमारा भाग्य है, ये संत चलकर हमारे पास आए ये हमारा सौभाग्य। जय श्री राम। धन्य नेपाल। नेपाल के लिए हम आगे की बात बोलना चाहेंगे, पर हम जाएंगे आप लोगों के सामने कली लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। तो सनातन की जय, सनातन जय, हिंदू राष्ट्र नेपाल जय श्री राम। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर है। जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। हमारी
सकते हैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन मैं पाप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाऊंगा। जय श्री राम। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है, तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी हुई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आके देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं। लेकिन हम बात एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। जय हनुमान, जय श्री राम। अच्छा, आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमें कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो, हम कहा नहीं हम सुनते नहीं है, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे, हमका खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं। अच्छा इनको क्या चाहिए, अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें लगे कि ये वीआईपी है। अब वो हनुमान संतुष्टि दिलवा देते हैं, अब बहुत विनोद की बात है। हमारा परिवार है, वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेहरा है, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन है, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर कार्य करेंगे। रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दे, तेरे दादा का थोड़ी बार नोट बराबर देगा, माइक दिया रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी है। जटायु जी के पंख रावण ने खाए, जटायु जी जमीन में गिरे, दर्द से कहारने लगे, शरीर में पीड़ा हुई, तो किसी ने जटायु जी से कहा बड़ा सीताराम 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 करते लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तो उनसे भी कहें बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाए, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते, जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे, आज देखो आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन कर पाए, आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले, बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे, बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। जय सियाराम। हम तुमसे कहना चाहते हैं नेपाल के पाल लो, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ, एक बुरा मत बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते, हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की मम्मी। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलो जितने भी लोग यहां बैठे हो, तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना, या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर
या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको ठीक से मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर्द भटक रहे, आप परेशान इसलिए क्योंकि आपकी सुविधा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह एक एक फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, 1 जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पागलो, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं, हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरु जी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो, हमका हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें, हमका करो। बोले गुरु जी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूँ, उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूँ। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। जय हनुमान, जय बजरंग बली। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमान से सर्व सुख कराई। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले अपने घर जाना और बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। खूब मुस्कुरा, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे, और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आएंगे राम, एक कथा और फिर विराम, हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है? रामचरितमानस की अहिल्या, अहिल्या हाथ उठाओ, बाकी लोग श्रीलंका से हैं। है तो भाई राम नेपाल के ही है ना, अहिल्या को नहीं जानते? नक्कटा है। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी, उससे पूछा आप कहां रहो? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं। फिर कहां रहोगे? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना हो, जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के। वो चाहे जितने बड़े हो जाए, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे, और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग उस भक्ति के नगर में हो, यहाँ स्वभाव बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो मुक्ति नाथ और पशुपति नाथ को प्रणाम करके, अच्छा आप तीन नाथ जुड़ गए, मुक्ति नाथ, पशुपति नाथ और बागेश्वर नाथ। जय हनुमान, जय श्री। तीन तीन नाथों
के हाथ में अगर अपनी नाथ हो, तीन तीन नाथ के हाथ में अगर अपनी नाथ हो तो फिर कौन अनाथ होगा। जय आप सब सनाथ हैं, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और हम आपको मिलेंगे कथा में। खूब हम सामने कर दीजिए, अगर आप लोगों की लगा देते हैं पर्चा वाली वहां लगाएंगे 20 तारीख को शाश्वत धाम में जहां है वहां पर समय निकालिए। कौन कौन आ रहा है कथा? बाकी लोग विचार बहुत बिजी हैं, मत आना वरना पाप का काम हो जाएगा ना, घर पे ही रहना। बोलो सीताराम, सीताराम वहां पहुंचना। हमारा बहुत बहुत दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबके सामने कर्ची लगा देते हैं। अच्छा हम आ रहे थे ना, हमारी चटनी बनाना कृपा करके चपेट में दूर से बनाना ताकि हम सात कुशल घर जाए तो माता जी हमारी पीटे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन प्रयाण आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, 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 हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो बागेश्वराय नमः नमः। नमः नमः। सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओम सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओम ओम सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। मणिमन सब लोग बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, पूज्य पाठ श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अडूक उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते हैं, एक साल में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, बिना पर्चा बनी ही काम सफल हो जाता है। अर्जी लगाते ही बागेश्वर बालाजी की कृपा होने लगती है, सेना आने लगती है और भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी, प्रश्न, जिज्ञासा लेकर के आप बैठे हो, जिस कारण से
बहुत ज्यादा अवहेलना सहेली हो, जगह जगह भटक लिया हो, आप जो भी प्रश्न लेकर आए मन में तीन बार ओम 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 हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे पशुपतिनाथ भगवान, हे मुक्तिनाथ भगवान, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी विनती सुनो, आपकी जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से सात बार उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दिया। ऐसा करने से बॉडी की नेगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी लेफ्ट हाथ की मुट्ठी का एंटी क्लॉक में उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दिया। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगाने शरीर में जहाँ पीला स्पर्श करा शुक्र बैठाई दुखे जो बागेश्वर धाम की। आप लोग सब एकत्रित रहो, सनातनी एकत्रित रहेंगे तभी हमारा आपका सनातन धर्म बचेगा। हम कथा को बहाना है, दरबार को बहाना है, असलियत में सभी सनातनियों को पूरी दुनिया में जगाना है। जय सिया राम। मस्तक पर टीका कौन कौन प्रतिदिन लगाता है, कौन कौन लगाएगा, हमको गुरु दक्षिणा में यही दीजिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हमें भी तरुण जी ने बताया आने के पहले कला जगत से अभिनय करके इस